सो वंस अगेन वेलकम बैक टू कुक्ड बाय यशी। सो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हर दिन की तरह एक नई रेसिपी जो कि है मूंग दाल कचौरियों की, एकदम खस्ता और बिल्कुल डेरी जैसा स्वाद वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सिंपली हमें ले लेना है एक कटोरी मैदा और उसमें हमें ऐड करना है थोड़ा सा नमक, एक बड़ा चम्मच ऐड करेंगे घी। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से मोन लगा लेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे हाथों से मसल करके। आटे में हम जितना ज्यादा मोन लगाएंगे कचौरियाँ उतनी ज्यादा खसखस बनेंगी और उतनी ज्यादा सॉफ्ट नरम बनेंगी। तो इसके लिए यहाँ पे ना हमें अच्छे तरीके से इसमें मोन लगा लेना है और फिर हमें इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके एक आटे का डो बना करके रेडी कर लेना है। याद रहे जो आप डो बना रहे हैं वो ज्यादा गीला ना हो, एक नॉर्मल डो बना के रेडी करें और इसे रख दे रेस्ट पे 5 मिनट से 10 मिनट के लिए। तब तक इसका मसाला बनाते हैं। तो मसाले के लिए हमने यहाँ पे भिगाई हुई मूंग ले लिया है। मूंग को आप 2-3 घंटे पहले भिगा के रख दें और अब इसे हम पीस लेंगे दरदरा। मिक्सी जार में इसे ऐड करेंगे और इसे सिर्फ 1 से 2 बार मिक्सर चलाएंगे और इसे हम दरदरा पीस लेंगे। आज की जो रेसिपी है ये उन सभी लोगों के लिए है जो डेरी की कचौरियाँ बहुत पसंद करते हैं और अब डेरी वाला स्वाद आप आपके घर पे भी बना करके ट्राई कर सकते हो। तो इसे हम एक दरदरा पेस्ट बना कर रेडी करते हैं। ज्यादा नहीं पीसना है, कुछ इस तरह से दरदरा बन रहे, 1 से 2 बार चला करके इसे रेडी करना है। अब कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें हम ऐड करते हैं मसाले, जैसे कि 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच सौंफ डालेंगे, 1 साबुत धनिया कुटी हुई डालेंगे। अब इन सारी चीजों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक लो फ्लेम पे। सौंफ की मात्रा जितनी ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा टेस्ट आएगा। फिर यहाँ पे ऐड करते हैं 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हम ऐड करेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर, इसे भी 1 मिनट पकाएंगे। फिर इसमें ऐड कर दें दरदरी पिसी हुई मूंग दाल और इसे लो फ्लेम पे पका लें अच्छे से। यहाँ पे 2 चीजें ऑप्शनल हैं, जैसे कि चाट मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कलर चेंजेस के लिए आप उसे भी ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि कचौरियाँ थोड़ी सी मीठी और थोड़ी सी तीखी होती हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, मतलब नमक आपको थोड़ा ही डालना है। और फिर इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, 1 से 2 मिनट इसे पका लेंगे अच्छे से मिक्स करके। फिर थोड़ा सा मीठा टेस्ट देने के लिए हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच शक्कर, इसे भी अच्छे से मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। इससे क्या है ना, डेरी वाला और हलवाई वाला टेस्ट। अब यहाँ पे हम लेते हैं गुथा हुआ आटा जो हमने गुथ के रख दिया था रेस्ट पे। अब आप देख सकते हो ये काफी अच्छे से बन के रेडी है। अब इसकी हम छोटी छोटी सी बॉल साइज लेंगे और इसका एक छोटा सा रोटी टाइप का बना के रेडी। जब भी आप ये मसाला बना रहे हो इसका मूंग का, उसमें नमक की मात्रा कम रखें, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो मैदे का डो बना के रेडी किया है उसमें भी हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया था। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है इस वीडियो में। कुछ चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं या फिर मसालों की और आपको जानकारी चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। इसी तरह से आपको जो भी साइजेस चाहिए, जो भी शेप चाहिए, आप कचौरी की बना के रेडी कर सकते हो। इन कचौरियों में एक खास बात होती है कि आपको इसे बेलना नहीं पड़ेगा और यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि आप इन कचौरियों को स्टोर भी कर सकते हो, 2-3 दिन 4 दिन आप इसे एंजॉय कर सकते हो। इन कचौरियों को आप टोमेटो केचप, मीठी चटनी, इमली के साथ या फिर चाय के साथ इवनिंग में भी एंजॉय कर सकते हो। तो इसी तरह से हमने ना ये सारे पीसेस बना करके रेडी कर लिए। इसकी जो लेयर है वो ना पतला है ज्यादा और ना ही ज्यादा मोटा है। अब जैसे ही तेल गर्म होता है हमें इसे फ्राई कर लेने हैं मीडियम फ्लेम पे। कचौरियाँ आप जब भी बना रहे हो उसे ना लो फ्लेम पे फ्राई करो, उससे क्या होता है कि जो अंदर की भी लेयरें हैं वो अच्छे से पक जाएंगी, कच्चापन नहीं रहेगा अंदर। तो स्टार्टिंग में आप इसे मीडियम फ्लेम रखें, जैसे ही थोड़ा है कलर में आप इसे लो फ्लेम करके पका लें। तो
तो यहाँ पे एक साइड से पक गई हैं, अब इसे हम पलट देते हैं दूसरी तरफ भी हल्का सा सुनहरा होने के लिए। और आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि जो कचौरियाँ हमने बनाई हैं आपके सामने ही सारी वीडियो में बनाई हैं, और फ्राई करते टाइम यहाँ पे एक भी कचौरी फट नहीं रही है, बिल्कुल लग रही है ना डेयरी जैसी। और खाने की बात तो आप छोड़ ही दें, खाने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितनी टेस्टी बनी हुई है। अब आप डेयरी जैसी कचौरियाँ घर पे भी बना के ट्राई कर सकते हो। और इस तरह से जैसे ये सुनहरा होता है इसे निकाल लें एक अलग पैन में, बस काफी कम टाइम में बनकर तैयार है एकदम डेयरी जैसी कचौरी, वो भी मूंग दाल की। और आज के टाइम में तो मूंग दाल की कचौरी किसे नहीं पसंद है, बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसे बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये रही कचौरियाँ बनके तैयार हैं। आप इसे इमली की चटनी, मीठी चटनी, चाय के साथ या फिर आपको जैसे पसंद है आप वैसे इंजॉय कर सकते हो फैमिली फ्रेंड्स एंड सभी लोगों के साथ। इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय।